जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। और ये जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन है इससे आपको क्या होंगे कि पॉलिटिकल साइंस को समझने में काफी ज्यादा आपको सुविधा होंगे और इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न जो है वो आपके बारहवीं बिहार बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आते हैं। इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल सीरीज का जो टॉपिक स्टार्ट हुई है तो ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए साथियों इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा और भी हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो देखने में। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। पहला जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वही भारतीय संविधान के क्या है तो आपको अभिभावक है। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए कई सारे चीज जो है वो आपको दिए गए हैं तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पहला नंबर ऑप्शन है इसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ से आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 52 में है। क्या है? अनुच्छेद 52 में, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद 52 है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति जो होंगे अनिवार्य रूप से होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है आपको प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके गठन के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आपको अनुच्छेद 124 में, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 124 में। वही निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 324 में, किसमें है? अनुच्छेद 324 में। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको? सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। फिर यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो होगा अनिवार्य रूप से होगा। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 52 में। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं? तो यह आपको राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत। इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपको किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है? तो अनुच्छेद 324 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक निर्वाचन आयोग है तो इसके बारे में भी याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था भारत में 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को क्या होता है कि भारत में आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तब क्या कहोगे? 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन को क्या हुआ था कि आपको भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका क्या हुआ था, क्या आपको गठन हुआ था, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप कहिए ईआईसी। क्या है? ईआईसी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है ना, मतलब ईसीआई कहिए, ईआईसी लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझिएगा इसको। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। फिर यहाँ से एक सुप्रीम कोर्ट है तो इसके गठन के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, या एनटीपीसी एग्जाम 2016 में जो था वो आपको पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो एक नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, इसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय। चलते अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग भी इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए
प्रश्न के साइज को बड़ा कर देते हैं, जैसे कि हर प्रश्न में करते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहती है कि सर थोड़ा सा प्रश्न के साइज को बड़ा कर दीजिए। उम्मीद है सभी आदमी तो अब देखते होंगे, देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो क्या है। ए में कह रहा है 18 वर्ष, बी में कह रहा है आपको 20 वर्ष, सी में कह रहा है 21 वर्ष, डी में कह रहा है आपको 25 वर्ष। तो देखिए तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो आपको कितना है, 18 वर्ष है। लेकिन पहले यह क्या था कि आपको 21 वर्ष था, क्या था, 21 वर्ष था। तो आपको याद होगा कि संविधान में एक संशोधन हुआ था, वो आपको 1989 में कितना हुआ था, 1989 में। तो देखिए तो 1989 में 61 में संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था, 61 में संविधान संशोधन। तो इस 61 में संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया, तो आपको 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपका डायरेक्ट कि सर ये जो आपको वयस्क मताधिकार है वो आपको क्या है बताइए। तो देखिए वयस्क मताधिकार कहने का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित उम्र के, ठीक है ना, लोगों को जो मत डालने के अधिकार होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो भी न्यूनतम आयु है वो आपको 18 वर्ष है, वही आपको पहले कितना था, 21 वर्ष था। तो इसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया था, 1989 में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 2 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिएगा, देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, यानी सबसे पहले समझिए कि भारत में आपको संघात्मक मॉडल है, और भारत का यह जो संघात्मक मॉडल है वो आपको कनाडा से प्रेरित है, किससे प्रेरित है, कनाडा से प्रेरित है, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो है वो आपको फेडरल सिस्टम है, कहने का मतलब है कि संघीय प्रणाली है, और हमारी जो संघीय प्रणाली है वो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, कह रहा है दोहरी नागरिकता। तो आप लोग बताओ क्या भारत में दोहरी नागरिकता है, तो आपको नहीं है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि डबल जो सिटीजनशिप है हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो जो है वो आपको सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता है, जो कि हम लोग ब्रिटेन से क्या है कि प्रेरित होकर अपने संविधान में क्या है कि आपको अपनाए हुए हैं। उसके बाद है आपको संविधान की सर्वोच्चता, क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र में संपूर्ण शक्ति, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। फिर कह रहा है शक्तियों का एकीकरण, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वह हमारे संघीय व्यवस्था की एक क्या है कि आपको प्रमुख लक्षण है। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का, वह आपको बी हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देखिए कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, ठीक है ना। तो साथियों याद रखिए कि ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था है क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था वो आपको कनाडा मॉडल पर क्या है कि आपको आधारित है। मतलब भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरित है, तो आपको कनाडा से प्रेरित है, ठीक है ना। और संघीय व्यवस्था में क्या होता है, तो आपको दोहरी सरकार होती है, अर्थात केंद्र और उसके नीचे की जो सरकार होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रांतीय सरकार। और इन दोनों सरकारों के बीच में क्या होता है कि आपको शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान जो होती है संघीय व्यवस्था वाले देश में वो आपको सर्वोच्च होती है, और जहां पर भी आपको संघीय व्यवस्था होती है उस देश में जो संविधान होते हैं वो आपको लिखित होते हैं। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है ना। 4 नंबर जो प्रश्न है उसे आप लोग समझिए, ठीक है ना। और इस प्रश्न को आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में इन चीजों की हम चर्चा जो है ऑफलाइन बैच में अपने किए थे, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या है प्रश्न पहले समझिए, कह रहा है कि भारत में, ठीक है ना, संविधान में क्या है, भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्द को, मतलब किन शब्दों को क्या जानते हैं कि आपको स्थान दिया गया, क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। देखिए यह प्रश्न होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। कह रहा है संघीय राज्य, कह
संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो देखिए तो भारत जो है क्या है जानते हैं, राज्यों का संघ है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद एक में किया गया। किसमें किया गया है, अनुच्छेद एक में किया गया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि भारत जो है राज्यों का संघ है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई, तो हम क्या कहेंगे, तो अनुच्छेद एक में कही गई, ठीक है ना। हमारे भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में जो है राज्य की अपेक्षा जो है केंद्र जो होते हैं अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत का जो संविधान है वो कैसा है, तो आप यह देखिएगा कि भारत का संविधान जो है वो आपको लिखित है, कैसा है, लिखित है। देखिए कुछ विशेषता जान लीजिएगा, निर्मित है, क्या है, निर्मित है, यानी कि भारत का संविधान जो है लिखित है, निर्मित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, बताइए तो आपको संविधान है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का संविधान है लिखित में, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको भारत का। और भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित है, निर्मित है। तो देखिए इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है, याद रखना है। तो चार का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। और थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ठीक है ना, कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको अनुच्छेद एक में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है उसे हम लोग समझते हैं। देखिए आइए ये जो अगला प्रश्न है इसे समझिए क्या कर रहा है, कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको सर्वोच्च है, क्या है, सर्वोच्च है। देखिए और सारे जो ऑप्शन है उन सभी ऑप्शनों का भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो देखिए कह रहा कि भारतीय जो आपको राज्य व्यवस्था है यानी कि इंडियन पॉलिटी उसमें आपको सर्वोच्च कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी जो है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो हमारा संविधान है, क्या है, संविधान है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पांच का वो क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। अब आइए इसमें कुछ और भी चीजें जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए संसद, ठीक है ना, तो ये जो संसद है वो किससे मिलकर बना है ये थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर हल्का हल्का हम चर्चा करेंगे। तो देखिए संसद जो है वो आपको राज्यसभा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको लोकसभा, क्या है, लोकसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा कि संसद हमारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो ये जो संसद की संरचना है, क्या है, संसद की संरचना, ठीक है ना। तो संसद के संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है ना वो आपको आर्टिकल 79 में अर्थात अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद जो है किससे मिलकर बनेगा। इन सारी बातों का जो उल्लेख है यानी किसके संरचना के बारे में वो आपको अनुच्छेद किस में है, 79 में। इन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद है आपको संविधान, तो अभी आपको समझाया था कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कि आपको लिखित संविधान है और यह आपको निर्मित है, और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या हुआ था, कि आपको समय लगा था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर कह रहा है डी आपको सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए भारत में जो है आपको एकीकृत न्यायपालिका, क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, यानी कहने का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ठीक है ना। तो भारत में जो है वो क्या बताइए, तो एकीकृत न्यायपालिका। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, जिसके शीर्ष पर जो है आपको कौन है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 124 में है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न वही करा है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो वह आपको कौन है जानते हैं, संविधान है, क्या है, संविधान है, ठीक है ना। बाकी जो चीज भी यहाँ पर हम लोग एनालिसिस किए हैं आप उसे कॉपी में अच्छे से लिखते चलेंगे। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन करेंगे। देखिए यही प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। देखिए यह पॉलिटिकल का ना बेसिक चीज सब है, क्या है, बेसिक चीज सब है। अगर ये चीज आपको आती है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि जो भी आपको कुछ एडवांस जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और देखिए
क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। कह रहा है आकार में मध्यम, क्या है मध्यम। बी में कह रहा है बहुत छोटे एवं सुसहन। उसके बाद कह रहा है कि विश्व के सबसे विशिष्ट संविधानों में से एक या लिखित संविधान नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो यह हो जाएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका अध्ययन है, भारत का। तो छह का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। अब भारत का संविधान जो है विश्व का कैसे सबसे बड़ा संविधान है समझिए। तो जिस समय यह संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय इसके आकार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उस समय इसमें क्या क्या चीज था उसको जान लीजिए। तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, तो उस समय इसमें क्या थे कि आपको प्रस्तावना थे, क्या थे प्रस्तावना। इसके अलावे जो आपको भाग है वो आपको कितने थे, तो भाग जो थे वो आपको 22 थे। उसके बाद है आपको अनुसूची, क्या है अनुसूची। तो अनुसूची की जो संख्या थी वो आपको उस समय 8 थी, क्या थी 8 थी। और अनुच्छेद की संख्या पूछा जाएगा जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय वो आपको 395 थी, क्या थी 395 थी। तो देखिए आज इस सबकी संख्या बढ़कर क्या है कि आपको ज्यादा हो चुकी है। अगर आज हम पूछेंगे कि बताइए कि अभी के समय में भारतीय संविधान की जो आकृति है आकार है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें एक जो है आपको प्रस्तावना है, इसके अलावे भाग जो है 22 से बढ़कर 25 हो गई है, उसके बाद जो है आपको अनुसूची 8 से बढ़कर 12 हो गई है, अनुच्छेद जो है अभी 395 से बढ़कर 470 से अधिक हो चुकी है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि भारत का संविधान को आप किस प्रकार वर्णित कीजिएगा, तो कहेंगे विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, क्योंकि इस संविधान में जितने आपको आर्टिकल है, जितने इसमें आपको भाग है, जितने इसमें अनुसूची यानी कि शेड्यूल है, ठीक है ना, उतना किसी भी देश के संविधान में ये सारे प्रावधान जो है वो आपको नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान को दुनिया के विशालतम संविधानों में से क्या होता है कि आपको एक कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो भारत का संविधान है, ठीक है ना, वो आपको लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। देखिए भारत का संविधान कैसा है, आपको लिखित है, क्या है लिखित संविधान है, यानी कि भारत का संविधान आपको लिखित है। और लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सबसे पहले आपको अमेरिका में पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी अमेरिका में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन है, अमेरिका। और अमेरिका ने अपने संविधान का जो निर्माण किया था वो आपको 1789 में ही, क्या है 89 में, यानी कि 1787 से अमेरिका का संविधान बनना शुरू हुआ था और 1789 में यह संविधान जो था बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना। तो लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन है, अमेरिका है। लेकिन पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो आपको किस देश का है, तो आप कहोगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो आपको भारत का है, किसका है भारत का है। फिर इसी में एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, और भी पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान और दुनिया का सबसे कठोर लिखित संविधान जो है किसका है, तो उसका भी जो आंसर हो जाएगा वो आपको अमेरिका ही हो जाएगा। मतलब कि लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश भी कौन है, तो आपको अमेरिका है। दुनिया का सबसे कठोर लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का, ठीक है ना। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो आपको किसका है, तो आपको अमेरिका के। कहीं कहीं आपको देखने को मोनाको भी मिलेंगे। देखिए जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिन देशों को देश का मान्यता प्राप्त है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मोनाको ना देखे आप, दुनिया का सबसे छोटा अगर लिखित संविधान पूछेगा तो आप उसमें अमेरिका का ही क्या करेंगे कि आपको टिक आउट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखे थे ये 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो आपको किस देश का है, अभी बताएं, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें जो भी देश दिए गए उसको जरा सा समझिए। कह रहा है कि विश्व का सबसे, देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा भारत, यानी कि 7 का जो सही आंसर होगा वो आपको भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें जितने भी देश दिए गए हैं इन देशों से क्या जानते हैं कि आपको भारतीय संविधान में कोई ना कोई चीज जो है वो आपको प्रेरित है। जैसे देखिए
ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या किए थे कि आपको एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो हम लिए थे, ठीक है ना। इसके अलावे आपको संसदीय शासन प्रणाली, क्या है संसदीय प्रणाली जो है भारत में, तो किस देश से प्रेरित है, तो आपको ब्रिटेन से। चलिए कनाडा से हम लोग जो थे तो आपको संघात्मक मॉडल लिए थे, क्या कहते हैं संघात्मक मॉडल लिए थे। इसके अलावा आपको राज्यपाल का जो पद है वो भी आपको कनाडा से ही क्या है कि आपको प्रेरित है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया जो है वो आपको कनाडा से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, क्या है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपको भारतीय संविधान में प्रेरित है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में वो आपको किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहोगे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। भारत का में जो संघात्मक मॉडल है वो कहां से प्रेरित है, तो कनाडा से, ठीक है ना। भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है वो कहां से प्रेरित है, कनाडा से। पूछेंगे दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है, तब क्या कहोगे भारत का। उसके बाद पूछेंगे कि एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं तो ब्रिटेन से। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सात नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आठ नंबर प्रश्न की ओर। देखिए कि आठ नंबर प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है कि भारत का संविधान जो है वो आपको कैसा है, मतलब भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो आपको अंशतः लचीला है, क्या है अंशतः, क्या है जानते हैं कि आपको लचीला, क्या है अंशतः लचीला, और अंशतः क्या है तो वो आपको कठोर है, क्या है कठोर है, ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, कह रहा है कठोर संविधान, लचीला संविधान, नहीं कठोर नहीं लचीला, और डी कह रहा है कि अंशतः कठोर और अंशतः क्या लचीला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। तो बच्चों यहां से एक प्रश्न आएगी कि आपको लचीला संविधान किसे कहते हैं और कठोर संविधान किसे कहते हैं। तो लचीला संविधान कहने का मतलब हुआ कि वह संविधान जिसमें संविधान संशोधन करना एकदम आसान हो तो उसको हम लोग कहते हैं लचीला संविधान, क्या कहते हैं लचीला संविधान। और जान लीजिएगा कि जिन देशों में अलिखित संविधान होते हैं उन देशों में जो आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो बड़ा सरल होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अलिखित संविधान वाले देशों में जो संविधान होते हैं वो आपको लचीला होते हैं। तो यहां से हमारा डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि लचीला संविधान किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वह संविधान जिसमें संविधान संशोधन करना आसान हो सरल हो उसको लचीला संविधान कहेंगे। जैसे देखिए आपको श्रीलंका, क्या है श्रीलंका, श्रीलंका के संविधान में आपको संशोधन करना जो है एकदम आपको क्या है आसान है। ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना जो है आपको आसान है, क्या है आसान है। तो इन देशों में आपको जो संविधान है वो आपको लचीला है। अब यहां से बात आती है कठोर संविधान की, तो कठोर संविधान हम ऐसे संविधान को कहते हैं जिस संविधान में संशोधन करना काफी ज्यादा क्या हो कि आपको कठिन हो। जैसे देखिए अमेरिका का संविधान हो गया, फ्रांस का संविधान हो गया, कनाडा का संविधान हो गया, इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो गया, ये सब ऐसे संविधान है जहां पर संशोधन करना जो है वो आपको थोड़ा सा क्या है कि आपको कठिन है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कठोर संविधान वाले देश। लेकिन भारत का जो संविधान है तो भारत के संविधान में कुछ भागों में संशोधन करना आसान है तो कुछ भागों में क्या है काफी ज्यादा कठिन है। तो यहां से क्वेश्चन और भी घुमा के पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारतीय संविधान जो है वो आपको कैसा है, तो हम कह दिए यहां से कि अंशतः जो है लचीला है अंशतः कठोर है, लेकिन इसमें भी पूछ देगा कि बताओ कि ये जो देख रहे हो लचीला अधिक है या कठोर अधिक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है, तो मुझे बताइए कि आपको लचीला ज्यादा है कि कठोर ज्यादा है। तो देखिए तो भारत का संविधान जो है लचीला अधिक है और आपको कठोर जो है वो क्या है आपको कम है। तो देखिए एग्जाम में किस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाते हैं समझिएगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत का जो संविधान है
वो आपको कैसा है, तो आप कहेंगे हस्त लचीला और हस्त कठोर। अगर यह ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको यह ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको हस्त कठोर अधिकतम लचीला, तो यह भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो जैसा भी ऑप्शन दे आपको आप इसे बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 8 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है इसे समझिए। तो सबसे पहले प्रश्न के साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान है। देखिए जस्ट अभी इस क्वेश्चन को समझाए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको आ भी गया है, ठीक है ना। अभी जस्ट समझाया है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि भारत का संविधान है अत्यंत लचीला। तो भाई इतना भी लचीला हमारा संविधान नहीं है। क्या है? नहीं है। अत्यंत कठोर, तो उतना भी ज्यादा कठोर नहीं है। कठोर कम लचीला अधिक। तब ये समझाए थे कि भारत का संविधान जो है वो आपको कठोर कम है और लचीला क्या है? अधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, और आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही है ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वो आपको किस प्रकार का है, ठीक है ना। क्या है? किस प्रकार का है? ऑप्शन ए जो कह रहा है इसको देखिए ऑप्शन सही बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भारी लगता होगा लेकिन इसका आंसर एकदम छोटा सा होगा और इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे 110% है कि आप पढ़े होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? कह रहा है एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक। उसके बाद कह रहा है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संरचना में जो है वो आपको क्या एजेंट है? संघात्मक है। और भावना में जो है वो आपको एकात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए तो भारत में संघात्मक मॉडल को क्या किया गया है, क्या आपको लिया गया है? नो डाउट क्या, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है। जैसे देखिए कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो उस राज्य का जो शासन प्रशासन होता है वो आपको केंद्र के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल उनके द्वारा चलाया जाते हैं, या डायरेक्ट जो शासन है राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। इसके अलावा जब देश में आपको आपातकाल की घोषणा होती है तो पूरे जो प्रांत की पावर होती है वो आपको समाप्त हो जाती है, अर्थात पूरा पावर जो होता है उसका क्या हो जाता है कि आपको केंद्रीकरण हो जाता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में क्या कि विधायी शक्तियों को 3 सूचियों के माध्यम से बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। तो देखते होगा कि संघ सूची में सारे के सारे जो महत्वपूर्ण विषय है वो रखे गए हैं, राज्य सूची के जो विषय है उन विषयों पर कानून जो है आपको संसद बना सकती है। जब आपको राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाता है तब संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन जब विरोधाभास की स्थिति आती है तो वहां पर क्या होता है कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं आपको मान्य होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कहते हैं कि भारत में मॉडल तो संघात्मक है लेकिन कभी कभी यह भावना में क्या हो जाता है कि आपको एकात्मक हो जाता है। तो इसके बहुत सारे क्या है कि आपको एग्जाम्पल है। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, और आपको अगर ये सारी चीज समझने में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो साथियों आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।